अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सना मेहर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आप सबको भी हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, जितने भी लोग रोजे रख रहे हैं अल्लाह पाक उनकी रोजे नमाजें कबूल करे, सबको हिम्मत और तफीक दे, सबके लिए आसानियां पैदा करें। माशाल्लाह। और आप सुनाए, रोज़े रख रहे हैं? जी जी रख भी रही हूँ, रखवा भी रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या हाल। सही है। और सुनाए, कैसे जा रहा है आपका काम? हाँ अच्छा जा रहा है, बस जैसे नॉर्मल सबका जाता है, रमजान में तो कोई काम वाम नहीं होता, बस ऐसे ही होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सही है। अच्छा, ये आप बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती ये तो कुछ ना पूछेगी, आपने क्या पूछ लिया। देखिए खूबसूरती इंसान के अंदर छुपी होती है, ठीक है? क्या तो बात है, क्या बात। मेरे ख्याल से बाकी मैं तो इन चीजों पे ब्लेम नहीं करती, ठीक है? खूबसूरती इंसान के अंदर छुपी होती है। अच्छा, तो रमजान में तो आपके फंक्शन और ये नहीं चलता होगा, तो फिर क्या करते हैं आप? रमजान में फंक्शन क्या, मेले भी नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता। हाँ तो जी क्या ईद की क्या प्लानिंग की है आपने, कैसे मतलब? कोई कोई प्लानिंग नहीं है ईद की। ईद का कोई मसलन लॉन्ग टाइम तो है नहीं, अब तो आपको पता आज 5वां रोजा हो गया है, सुबह 6वां हो जाएगा, तो कोई इतना खास प्लान नहीं है, क्योंकि ईद तो उनकी होती है जिनके सर पे माएँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं। देखिए हमारे मुल्क के हालात इतने मसलन जस्ट अरब जा रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती ईद के बारे में। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये अक्सर हम फंक्शन देखते हैं, ये मेलों पे या फंक्शन में जो लेडीज़ आप जैसे लोग हैं वो मतलब, ट्रांसजेंडर के लिए हाँ इज्जत हाँ से एक मतलब, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप जैसे मतलब इंसान जो फंक्शन करते हैं, आपका वो बिजनेस है ना, जी बिल्कुल तो उसमें कोई लोग हम देखते हैं वो ठुमके ऐसे सुपर हिट करके लगाते हैं, तो उसमें क्या वो कोई स्पेशल करते हैं या ऐसे ही बस? नहीं। देखे कोई भी काम है उसमें उल्टा सीधा तो आप देखें, ये थिएटर देख लें, आप कहीं फिल्म में चले जाए, कहीं भी चले जाएं, वैसे लोगों ने हम लोगों को टारगेट रखा हुआ है कि हमारे ठुमके या मसलन हमारी कोई भी बात उसको आगे लेके आते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं। आप देखें आप इतनी इतनी बड़ी लेकिन स्टारें हैं, वो कर रही हैं सब। लेकिन वो तो ठीक है, स्टार है, सारा कुछ है, लेकिन जो आप लोगों का ठुमका है वो स्टार से ज्यादा मजा करता है, तो आप इसमें क्या मसलन कोई स्पेशल है उसमें कोई? देखिए कुछ स्पेशल नहीं, आप बार बार एक ही बात को हाँ, ठुमको मजा क्यों आता है ना, लेके ठुमका आते हैं? ठुमके का मजा आता है ना देखने का। अच्छा देखो मैं तो अभी डांस वांस छोड़ चुकी हूँ, ठीक है? मेरा तो अब मन नहीं है, फिर भी लोग मजबूर कर देते हैं जो फैन वगैरह होते हैं, तो मसलन चली जाती हूँ। वैसे तो मैं दिली तौर पे ये छोड़ चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मसलन जो कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको हिम्मत और तफीक दे, वो अच्छे काम करें, अपना काम करें, मेहनत करके आगे आए। ठुमको में कोई कुछ नहीं होता, ये एक परफॉर्म होता है, ठीक है ना? ये ठुमके लोगों ने बस ऐसे ही बनाई हुई है चले चले बात। जी, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम दिया ओके आपने। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है।